इनेलो प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने कहा कि इनेलो पार्टी किसान, गरीब, मजदूर व कर्मचारियों की हितैषी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी को ताऊ देवीलाल ने खड़ा किया था। ताऊ देवीलाल ने किसानों व बुजुर्गों को सम्मान देते हुए मासिक पेंशन की शुरुआत की थी। आज बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। इनेलो की सरकार आने के बाद बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। घरेलू बिजली के बिलों में कटौती की जाएगी। युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गरीब की बेटी के शादी में कन्यादान की राशि को बढ़ाया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व भाजपा की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसलिए इनेलो की सरकार ही लोगों के पास एक विकल्प है। ये जो पार्टी है, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी, ये हमारे हित की पार्टी नहीं है। अगर हमारी हिमाचली पार्टी है तो ताऊ देवीलाल पार्टी है। ताऊ देवीलाल जी ने बुजुर्गों को वो सम्मान दिया जो आज भी बरकरार चल रहा है। ताऊ पेंशन मिल रही है, 100 रुपया रोज के हिसाब, महीने के हिसाब से पेंशन चालू करी और आज 2000 रुपए महीने मिल रही है, यानी 100 रुपया हर वर्ष पड़ जा। अब पार्टी ने घोषणा कर दिया है 100 रुपया रोज मिलेगी पेंशन सरकार आते ही, यानी 3000 रुपए महीने। और बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे ट्यूबवेलों के, गांवों की बिजली आधी, और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगर किसी कारण से कोई लड़का रह भी जाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और गरीब की लड़की की शादी में 5 लाख रुपए कन्यादान दिए जाएंगे। और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी सरकार आते ही। बात एक नहीं है, बात तो ताऊ अनेकों है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये पार्टी सिर्फ हमारी ताऊ देवलाल पार्टी ही गरीबों की, किसानों की, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बाकी तो ये सब धोखे ही धोखे हैं।